जैसा कि लास्ट टाइम हमने बताया था कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे ट्रायंगुलर शेप में जो स्टिरअप्स होते हैं उसकी कटिंग लेंथ को कैसे निकालें। इस वीडियो के पहले हमने दो वीडियो ऐसे बनाए हैं जिसमें है कि रेक्टेंगुलर स्टिरअप्स की कटिंग लेंथ निकालने का सबसे आसान तरीका और सर्कुलर पैटर्न में जो स्टिरअप होती है उसका कटिंग लेंथ निकालने का आसान तरीका। दोनों वीडियो के लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी ये दोनों वीडियो के लिंक मैं डाल दूंगा। तो आज हम देखेंगे कि ट्रायंगुलर शेप में जो स्टिरअप्स होती है उसका कटिंग लेंथ कैसे निकालें। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा दीजिए और उसमें ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले अच्छे अच्छे जो भी वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए सीखते हैं कुछ। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कटिंग लेंथ ऑफ ट्रायंगुलर स्टिरअप्स। तो यहाँ पे एक फिगर बनाया गया है जो कि है रेक्टेंगुलर कॉलम का, और उसके अंदर एक ट्रायंगुलर स्टिरअप्स आपको दिख रहा होगा। तो एक आइडियल कंडीशन में ऐसे ही बनाया गया है कैलकुलेशन पर्पस के लिए, और कॉलम का जो साइज है वो 600 mm by 300 mm है और जो क्लियर कवर दिया गया है वो 40 mm का दिया गया है, और स्टिरअप्स का जो रेनफोर्समेंट है वो आप ले सकते हो 8 mm टॉर स्टील का, और उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे कि उसका कटिंग लेंथ कितना होता है। उससे पहले हम एक समझ लेते हैं कि यहाँ पे अगर ट्रायंगल जो स्टिरअप्स बनाया गया है उसको हम अलग से यहाँ पे ड्रॉ करें तो वो ट्रायंगल स्टिरअप्स इस तरह से होगा। तो ये ट्रायंगल स्टिरअप्स में यहाँ पे डायमेंशंस हम बता दें तो ये जो डायमेंशन है वो ए डायमेंशन होगा, इतना डायमेंशन जो है वो उसका बी डायमेंशन होगा, और जो हाइट है वो हम लेके चलते हैं एच। ठीक है, तो ये हो गया, और बीच में ये होगा उसका ए बाई टू और ये भी होगा ए बाई टू। ठीक है, और जो एंगल यहाँ पे होगा वो होगा 135 डिग्री। तो इस एंगल को हम बताएंगे 135 डिग्री का बैंड। ठीक है, तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं कटिंग लेंथ। तो यहाँ पे रहेगा कटिंग लेंथ इज इक्वल टू 2 into b plus a plus 2 times hook length, minus 4 times 135 degree bend, जो कि है elongation जो हमको detect करना रहता है। तो यहाँ पे 2 times b लिया गया है, यानी कि एक ये लेंथ है और एक दूसरी तरफ की लेंथ होगी जो 2 times b लेंथ हो गई। ए लेंथ है वो यहाँ से बॉटम लेंथ उसको माना जाएगा। 2 times hook length है वो ये हुक लेंथ है जो हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मली, उसको लिया जाता है कैलकुलेशन में जैसे कि इन टर्म्स ऑफ डी लिया जाएगा। और जो 4 times 135 degree है तो ये जो 4 times जो है वो 1, 2, 3 और 4 बार उसको बैंड किया जाएगा, तो उसका 4 times 135 degree बैंड जो है वो एलोंगेशन डिटेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हम कैलकुलेट करते हैं पहले कि ए का लेंथ क्या है। तो ए जो हो वो होगा, ए के लिए टोटल विड्थ जो है वो 300 है कॉलम का, उसमें से 2 times डिडक्ट करना पड़ेगा कवर, तो वो होगा 2 times into 40, माइनस 2 बार डिडक्ट करना पड़ेगा हाफ द डायमीटर, वो होगा 2 into 4। तो अब टोटल ए का जो लेंथ है वो हो गया 212 mm। ठीक है, अब कैलकुलेशन
करेंगे हम एच के बारे में। तो एच का जो कैलकुलेशन है वो है कि 600 टोटल डेप्थ ऑफ बीम या कॉलम है, माइनस 2 टाइम्स 40 यानी कि कवर डिडक्ट करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे जो कि है ओवरऑल स्पेसिंग का पार्ट है जो हमको एच का वैल्यू देगा। तो टोटल रहेगा 520 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 260 mm। अब फाइनली कैलकुलेट करेंगे बी का वैल्यू। तो बी हम स्क्वायर में कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा एच स्क्वायर प्लस ए बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम कैलकुलेट करें एच का वैल्यू यूज करके और ए का वैल्यू यूज करके तो फाइनल आंसर हमारा रहेगा वो होगा बी स्क्वायर का रहेगा 78836। ठीक है, और अगर हम बी का कैलकुलेट करें तो अंडर रूट ऑफ 78836 यानी कि होगा 280.77 mm। ठीक है, अब फाइनली हम कैलकुलेट करेंगे कटिंग लेंथ का टोटल वैल्यू। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे टोटल कटिंग लेंथ, तो वो इक्वेशन के हिसाब से होगा 2 टाइम्स इंटू बी। बी यानी कि हमने कैलकुलेट किया 280.77 प्लस ए का जो वैल्यू है वो 212 है प्लस 2 टाइम्स हुक लेंथ। तो वो जो हुक लेंथ होगा वो 10 इंटू डायमीटर होगा, तो 10 इंटू डायमीटर है 8 mm। और माइनस जो करना है वो हमको करना है 4 टाइम्स 135 डिग्री बैंड, सो उसका जो डायमेंशन होगा वो 3 टाइम्स डी होगा यानी कि 3 इंटू 8। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो कटिंग लेंथ का ओवरऑल डायमेंशन होगा 837.54 mm यानी कि 0.8375 meter। तो ये हो गई कटिंग लेंथ ट्रायंगुलर स्टिरअप्स की। तो दोस्तों अब ट्रायंगुलर स्टिरअप्स का कटिंग लेंथ का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। दो और वीडियो है जिसमें रेक्टेंगुलर स्टिरअप और सर्कुलर स्टिरअप्स का कटिंग लेंथ का कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं सबसे आसान तरीके से वो बताया गया है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तीनों वीडियो को देखकर आपको अब पता चल गया होगा कि कैसे हम स्टिरअप्स की कटिंग लेंथ का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बताइए इस तीनों वीडियो में आपको जानकारी कैसी लगी, और आपका कोई कमेंट या फिर सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।